चलेगा ये। रो बस भागते रहो, दादी हमारे पीछे ही आ रही होगी। मैं तो दादी आ गई। पहले हम जा रहे हैं ग्रैनी साहब। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस इधर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो पहले हम पढ़ लेते हैं। एक पॉइंट ये है गेट आउट। तो गाइस ये कुछ ऐसा बताना मांगने हैं कि हमारे पास 5 दिन है, हमने इस घर से भागना है और ग्रैनीज जो है वो हर एक चीज सुन सकती है। तो गाइस डिफिकल्टी इजी हो। तो गाइस हम इजी तो रखेंगे नहीं, बिकॉज तो नॉर्मली सही। गाइस एक बंदा घने जंगल में रात को अकेला भटक रहा है, इधर उधर मदद की तलाश में। अचानक उसे एक पेड़ या दरख्त गिरा हुआ नजर आता है। वो देख के थोड़ा सहम जाता है और उसे सामने एक घर नजर आता है। उस घर की तरफ वो अपने कदम बढ़ाता है, इधर उधर डरता हुआ, और वो और नजदीक आता है घर के। उसे अच्छा फील हो रहा होता है, पर अचानक एक आवाज होती है। वो पीछे देखता है, पीछे ग्रैनी खड़ी होती है, उसे टक के सर पे मारती है और वो बेहोश हो जाता है। तो गाइस डे 1 शुरू हुआ है। मैं एक रूम में हूँ, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। गाइस जल्दी से हम लाइट उठा लेते हैं, डर बहुत लगता है वरना अंधेरे से। हमें एक बेड दिया हुआ है, बेड के नीचे कुछ भी नहीं है। एक कबर्ड अच्छी से रखी है, इसमें हमारा सामान पड़ा होगा। यहाँ लिखा हुआ है लीव दिस हाउस। अबे यार ये तो पता है हमें, भाग नहीं है इस घर से, इस घर में कौन रहेगा। ये काइस खाली है, एक अच्छा सा गुलदान रखा है हमारे लिए शायद। एक कबड़ भी है पर ये भी खाली है। कोई बात नहीं गाइस, हम बाहर भी देख आते हैं। ये तस्वीर, ओह कोई चीज अच्छी नहीं लगी यहाँ पर। Day 2 started। तो मैं फिर से बेहोशी से उठा हूँ। अब जल्दी से ऐसा करते हैं, हम बाहर जाके देखते हैं हमें कुछ मिल जाए। सीढ़ियाँ यहाँ पर, और यहीं से ग्रैनी आती है मेरा ख्याल है, क्योंकि दरवाजा खुद ही अपने आप खुल गया। पर जाके हम देखते हैं पीछे ग्रैनी यहीं से आती। गाइस और एक और मौत। Day 3। फिर से बेहोशी की हालत में मैं उठाऊं। अब हम सीधा ऊपर जाएंगे, देखते हैं। ये भी एक कमरा है, दरवाजा बंद कर देते हैं, फिर पीछे आ जाएगी हमारे। आवाज नहीं करनी कोई, यहाँ पर भी एक बेड है, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? एक और कबड़ है, यहाँ पर कुछ पड़ा है, यहाँ भी कुछ नहीं पड़ा गाइस। चाहिए था। Day 4 और खून हुआ है सारा कुछ स्क्रीन पे। लगता है दादी ने हमें बहुत पीटा है, पर हम अब हार नहीं मानेंगे, हम फिर से जाएंगे उस कमरे में, नहीं तो दूसरे कमरे में ही सही। ये पानी का दरवाजा, इधर से ग्रैनी आ गई, मैंने खुद खोला, वहां से आ रही है। बंद करो, बंद करो। गाइस हम जल्दी से ऊपर भागते हैं, कोई जगह मिल जाए हमें छुपने के लिए। कहां पर प्रेस आर हो गया गाइस, शायद ग्रैनी पर ही आ रही होगी। वैसे ये भी कमरा अच्छा है, यहाँ ना 5 दिन गुजार लें। नहीं, हमें इस घर से बाहर निकलना है। चले मैं निकलता हूँ। ये कोई जगह है, इससे भी बात हो जानी है। ये भी छुपने की जगह है। आवाज़ हो गई और ये दादी आ गई हमारी, हमें मारने के लिए। इतना गुस्सा क्यों करती है तुम? नीचे भी जगह है, नीचे जाके देखते हैं क्या होता है। और उसकी भी इतनी सारी आवाज, इधर से बाथरूम से तो बाहर निकले। और ये फिर वही जगह, इस दादी भी आ गई। नीचे जाके देखते हैं कुछ तो होगा। ये एक और आवाज, इधर पियानो पड़ा है। भागो बस, भागो भागो, दादी के साथ पकड़न पकड़े खेलो। भागते रहो बस, भागते रहो। दादी हमारे पीछे ही आ रही होगी। पांचवा दिन शुरू हो गया, 5वां और आखिरी दिन। फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हम अभी भी उठेंगे इस दफा। पहले बाथरूम में चलते हैं। और जोर का है, बहुत मारा है। बाथरूम में भी खून, शीशा भी टूटा हुआ, टॉयलेट में चाबी कौन रखता है? कार की बस यही तो चाहिए थी। अब बस हमें एक गाड़ी ढूंढनी है बस। टिश्यू भी नहीं रखा हुआ। यहाँ भी एक छुपने वाली अलमारी। बाय द वे गाइस, दादी इधर ही आ रही होगी, देखते हैं बाहर हमारा स्वागत ना कर रही हो। बाहर खड़ी है दादी, बंद करो इसे। 5वां दिन है, हमें बहुत संभल के खेलना है। एक दफा फिर चेक करते हैं। मेरा ख्याल है कहीं जा रही है वो खड़ी दादी, हमें बस देखे ना। इतना अंधेरा क्यों हो रहा है? हमें नीचे जाना चाहिए गाइस, नीचे शिकंजा रखा। ओ बात होगी गाइस, भाग गए। ये नीचे क्या है, इसको बंद करो। यहाँ एक और जगह छुपने की गाइस, यहाँ छुपने पर ग्रैनी यही ना आ रही हो। दरवाजा तो नहीं खोला बरल, हम यहाँ छुप गए। पर ये कौन सी जगह है? लगता है ये कोई इसका नीचे स्टोर रूम या कह लो या गराज कह लो। पर गाड़ी तो खड़ी नहीं है गाइस। वहाँ भी एक जगह जा रही है, वहाँ जाके देखूँ मैं, अगर ग्रैनी ना आ रही होता। एक और जगह नीचे जा रही है, देखते हैं यहाँ। उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये गाड़ी तो है, इसकी चाबी है हमारे पास, इसको चला के देखते हैं। और चलाएं कैसे? E to start। I cannot start the car yet। ये क्यों है? इसका इंजन लगा है। ये देखना पड़ेगा दादी ना आ रही हो। गाइस ना इंजन पार्ट रखा हुआ यहाँ पर। आई नीड अ कार, बैटरी भी चाहिए हमें एक। अच्छा, मेरा ख्याल है गाइस यहाँ पर हमें शॉटगन बनानी है। चले ऊपर जाके ढूंढते हैं कहीं इंजन पार्ट में। गाइस एक आवाज कर दी है, गाड़ी के अंदर ही छुप जाते हैं। कहाँ से देखो गाइस, हम बिल्कुल खामोशी से सांस भी नहीं ले रहे। और देखते हैं दादी अब आके हमें मारती है कि नहीं। हम उसी की गाड़ी में बरल छुपे हुए हैं, टूटी फूटी सी गाड़ी, और ये आ गई दादी। दादी हमें देख ही नहीं पा रही बेचारी, लगता है उसकी आंखों से दूर हो गए। ठीक है, फोन यहाँ कुछ है, अगर दादी ना हो तो धुआं। गाइस ये सही है, यहाँ अगर हम तो गाइस यहाँ भी हम छुप सकते हैं, दादी हमें नहीं दे सकती रूल्स के मुताबिक। अगर देखा जाए तो धुएं में नहीं देख सकती। फायदा भी हम निकलते हैं यहाँ से, इसको बंद करते हैं, दादी ना ऊपर पाए। एक दफा ऊपर उसी जगह जाके जल्दी से छुपते हैं। गाइस यहाँ पर कोश कंजा लगा हुआ है। गाइस हम अंदर जाके स्मेल मानी में छुप जाते हैं जल्दी। तो गाइस सेफ, बहुत सेफली खेल रहा हूँ मैं। आई नहीं दादी अभी तक, वहीं खड़ी हो, देख के आते हैं। गाइस ये खड़ी हुई है दादी, एक और शिकंजा छोड़ के। ये दीवार में से भी हमें मार सकती है, वैसे मारा तो नहीं है अभी तक। बरल अब तो चले गई होगी। शिकंजा देखो कैसे पुट्ठी जगह रखा है, अगर इसमें फंसा तो इधर से कहीं से आएगी दादी, मार देगी। चलते हैं ऊपर, शिकंजा ना फंसता से। इधर ना गई हो दादी, या इधर ऊपर जा, कहीं तो गई है दादी। लगता है गाइस दादी में भी कोई सुपर पावर है। इधर देखते हैं क्या है। एक और सीढ़ियां। गाइस शुरू में तो एक छोटा सा दरवाजा नजर आया था, ये तो बहुत बड़ा घर है। ये क्या है? आई नीड अ स्क्रू ड्राइवर। इतनी सारी चीजें कैसे याद रखूंगा मैं, मेरी तो मेमोरी भी इतनी नहीं है। ये एक और बेसमेंट कह लें आ गए गाइस। ये एक और कमरा, इतने कमरे। रिमोट कंट्रोल गाड़ी रखी हुई, रिमोट कंट्रोल। ये हेलीकॉप्टर है। चले, ये गोश्त का टुकड़ा। चले इधर क्या काम हमें, ऊपर देखते हैं कौन सी जगह। बस गाइस दादी नो बहुत जोर से मारती है। ये भी एक पड़ी हुई है ड्रॉस कह लो, कबर्ड। ये भी खाली, ये भी खाली, कुछ भी नहीं रखा हुआ। हमें भला इंजन ही देते हैं। ये यहाँ बॉक्स पड़े हैं, तो हटाते हैं हम। ये क्या है? रिंच हैंडल, इसका भी कोई इस्तेमाल होगा। चलें और कुछ देखते हैं हमें मिलता है यहाँ पर कि नहीं। सीक्रेट रास्ते बना के रखे हैं दादी ने, बस एक भालू छुपाने के लिए। उठाएं इसको, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि इसको उठा लेते हैं। ये अचानक से धड़कने की जो अपनी सुनाई दे रही है। कोई आ रहा है क्या? और कोई आ रहा है? ये तो बढ़ती जा रही है धड़कने। लगता है इसको आ रहा है, दादी आ रही। लाल आंख गाइस आप देख सकते हैं इसके। अच्छा यहाँ से हम दादी के नीचे बैठ के देख भी सकते हैं। अगर हम ये फेंक दें इसके सामने तभी भी लाल आंखें। ओके, ये इसके सनग्लास है, पकड़ो तो लाल हो जाती है। नहीं, फिर पकड़ के देख। अच्छा तो ये पकड़ो तो इसे पता चल जाता है हम कहाँ पर हैं। फेंको पर आएंगे हम, क्यों बताएं हम कहाँ पर हैं। अपनी कार की उठाओ, हाथ में रखो, जैसे ही मौका मिले बस भाग जाओ इस घर से। जा दादी, छोड़ तो दिए मैंने। हमारे पीछे तो बड़ी जल्दी आती है, जाते हुए इतनी देर लगा देती है। अगर मैं यहाँ से बाहर निकला और ये हिला जरा सा तो फिर आपको पता है क्या होगा। बहरहाल हम नीचे झुकते हुए जाते हैं। दादी चलेगी। ये नई कबड़ दिख रही है, आई नीड अ वेपन की, तो इसमें पड़े वेपन्स गाइस। तो हम पहले वेपन की क्यों ना ढूंढे और इसको दादी को परमानेंटली इस घर से छुट्टी दे ले। एक और शिकंजा रखा है, इसमें तो फंसूंगा ही फंसूंगा, पर इसमें ना फंसूं और दादी ना देखे, ऐसा कैसे हो। फंस जाऊं, ना फंसूं, फंस जाऊं। चलो गाइस, फंस ही जाता हूँ। ओ हम पीछे भी कर सकते हैं। फंस गया यार, क्योंकि छुपो वापस टेडी बेयर वाली जगह पे। छुप जा, छुप जा। गाइस ये सही है, पहले हम शिकंजे को धकेल भी सकते हैं, उसके बाद उसमें फंस भी जाते हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार लेते हैं, या ये कह सकते हैं अपने पैर में शिकंजा खुद ही फंसा लेते हैं हम। यार कोई नई चीज ट्राई करते हैं, रिंच हैंडल उठाते हैं, क्या पता इससे ग्रैनी को मार सके। पहले हम ये क्या हो, मुझे लगा दादी उधर जा रही होगी। अच्छा चले, मुझे लगता है हमें छठा दिन दिया। गाड़ी वाली जगह से आज शुरू हुआ। दादी गाड़ी चलाएगी। हाय क्यों? ओए दादी, ओए ओए। भाई कितना बुरा हंसती है ये पीछे। गेम ओवर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से एक ट्राई मारेंगे, क्या पता हम नेक्स्ट एपिसोड में भाग सकें। इस एपिसोड में तो हमने बस घर को ही छाना है, क्या क्या इसमें है बड़ा, क्या क्या हमें करना है। तो जहाँ तक मुझे लगता है हमें अलग अलग चीजें ढूंढ के इस घर से भागने की कोशिश करनी है। बाय द वे काफी हॉरर गेम है गाइस। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।